हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको भूमि अधिग्रहण के संशोधन क्या हुए हैं, उसमें जो नया एक्ट है भूमि अधिग्रहण अधिनियम, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो लोगों के बहुत बड़े क्वेश्चन रहते हैं उनको भी मैं क्लियर करूंगा। जैसे भूमि अधिग्रहण में कितने लोगों की सहमति चाहिए, भूमि अधिग्रहण कैसे, जो भी मान लीजिए आप चैलेंज करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं मान लीजिए, तो क्या ये रुक सकता है और क्या प्रक्रिया है रुकवाने की। और जो सबसे बड़े सवाल जो है कि सर्किल रेट के आधार पर ज़मीन ली जाएगी, हरजाना जो है सर्किल रेट के अनुसार मिलेगा मुआवजा या सर्किल रेट से कम मिलेगा, तो वो क्या है, किस प्रकार से सर्किल रेट जो है उसका डिसाइड किया जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण चौथा है वो है कि अगर मुआवजा से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप क्या करें, कैसे आप अपना मुआवजा बढ़वा सकते हैं, किस कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, क्या उसकी प्रक्रिया है उसके बारे में। ठीक है साथियों, एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज पहले करिएगा उसके बाद। ठीक है जी, देखिए साथियों, यहाँ पे आप पढ़िए, ये जो एक्ट है जब आप इस बुक लेंगे इसकी तो इस प्रकार से है। एक्ट का पूरा नाम क्या है वो आप देख लीजिए, क्योंकि बुक पर पूरा ही नाम होता है, भूमि अर्जन। ठीक है, भूमि अर्जन यानी कि भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्स्थापना। ठीक है, क्योंकि देखिए भूमि अधिग्रहण जहाँ पे सरकार करती है, ठीक है, और जहाँ पे वो मकान वगैरह का अधिग्रहण हुआ है तो उन्हें पुनर्वस्थापन की भी व्यवस्था है। मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में जो है झोपड़ियाँ डली हैं, या मान लीजिए मकान बनाए, अब लोग बेघर होंगे, तो सरकार पुनर्व्यवस्थापन भी करके देगी भाई, कि ये लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ इन्हें सेटल किया जाए। ठीक है, वो भी व्यवस्था है। उचित प्रकरण और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013, यानी कि भाई भूमर्जन भी होना है, मकान वगैरह जो भी आपकी जो ज़मीन है उसको भी अधिग्रहण किया जाएगा इसमें, उसके बारे में प्रोविज़न किया गया है, और आपको कहाँ बसाया जाएगा, क्या इसके बारे में रिलीफ, वो भी दिया गया। और पारदर्शिता यानी कि स्पष्टता रहेगी, इसमें कोई भी बेईमानी नहीं रहेगी, ये अधिनियम जो है इतने प्रावधान करता है। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ सबसे फर्स्ट पॉइंट पर कि भूमि अधिग्रहण के लिए कितने लोगों की सहमति चाहिए। साथियों, मैं सबसे पहले बता दूं कि देखिए अंग्रेज़ों के ज़माने में एक अंग्रेज़ों का एक्ट हुआ करता था भूमि अधिग्रहण, वो ख़त्म करके जैसे तैसे बड़ी मुश्किल में सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 बनाया। 13 में जो है लगभग 80% लोगों की सहमति जरूरी थी, जहाँ भी सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही है लगभग 80% लोग सहमत होने चाहिए, ठीक है, तभी भूमिगत अधिग्रहण होती थी। लेकिन साथियों, सरकार ने जो है फिर से संशोधन कर दिया है, इसमें एक संशोधन किया गया है, और संशोधन करने के बाद अब जो है सहमति जो है वो घटा दी गई है। अब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी सरकार प्राइवेट संस्था मान लीजिए भूमि अधिग्रहण कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में साथियों भूमि अधिग्रहण में जो भी मान लीजिए लोग हैं उनकी लगभग 70% लोगों की ही सहमति हो तो सरकार भूमि अर्जन कर सकती है। ठीक है, और ख़ासकर कहाँ, प्राइवेट। अगर कोई मान लीजिए सरकारी है, देश से रक्षा संबंधी का कदम उठाने के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, तो वहाँ पे लोगों की क्या सहमति लेना, वहाँ पे लोगों को खुद भी देना चाहिए, हालांकि मुआवजा तो मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे मान के चलिए लगभग 70% लोगों की वहाँ पे सहमति जरूरी है। ठीक है, अब साथियों सवाल आता है कि हमारे यहाँ मान लीजिए किसी का भूमि अधिग्रहण हो रहा है और हम उसको चैलेंज करना चाहते हैं, हम उससे नहीं खुश हैं, मुआवजा की बात नहीं हो रही है, भूमि अधिग्रहण की बात हो रही है केवल। ठीक है, वो तो मुआवजा की बात हम करेंगे, कितना मिलेगा, कितना क्या, सर्किल रेट क्या, भूमि अधिग्रहण के आप अगेंस्ट हो 20% लोग, तो क्या उसे रोक सकते हो? हाँ, रोकने की कोशिश कर सकते हो। कब? जब मान लीजिए जो भी कलेक्टर है इस नियम के अनुसार, जो भी है इस नियम के अनुसार, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अब कन्फर्म हो गया कि ये जो है भूमि अधिग्रहण होगा, तो आप जो है हाई कोर्ट में अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप रिट पिटीशन भी आप डाल सकते हो। पहली चीज़ ये है। ठीक है, जब मान लीजिए आपको मान लीजिए लगता है कि गलत है, आप अगेंस्ट हो, ठीक है, और उसके भी बहुत बेनिफिट होंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में। अब साथियों सवाल आता है क्या इसे रोका जा सकता है, तो जब आपने रिट पिटीशन डाल दी, अगर मान लीजिए जो भी, तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, यदि वो सही समझता है तो नहीं होगा, और मान लीजिए अवैध समझता है, गलत तरीके से समझता है, तो हो सकता है वो रुक भी जाए। ठीक है, अब दूसरा सवाल, तीसरा सवाल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण, कि
सर्किल रेट जो है वो किस अनुसार तय किया जाएगा? तो देखिए, सर्किल रेट जो है वो भूमि अधिग्रहण अधिनियम सेक्शन 26 के हिसाब से कलेक्टर निर्धारित करता है। अब देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि 26 क्या कहता है और किस प्रकार से तय करेगा उसका सर्किल रेट कलेक्टर, ठीक है। देखिए, सबसे ज़रूरी क्या है कि कलेक्टर जो है 26 में ये कहा गया कि आप दो तीन चीज़ें देखिए। पहला तो कानून ये है कि सर्किल रेट से कम मुआवजा मिल ही नहीं सकता, कीमत जो है वो सर्किल रेट से कम लगाई ही नहीं जा सकती। लेकिन मेरे पास कई फ़ोन कॉल आते हैं कि सर हमें 100 रुपये की चीज़ है 20 रुपये दे रहे हैं भाई, ठीक है। तो ऐसी तमाम कॉल्स आती हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं बताऊंगा क्या करें। और कोई आप मान लीजिए लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, 26 के अनुसार पहली चीज़ है सर्किल रेट, ठीक है। सर्किल रेट या मार्केट वैल्यू जो कलेक्टर जो है निर्धारित करता है, जो जिसके अनुसार आप स्टाम्प पे करते हैं वो, अगर आप नहीं जानते तो, ठीक। दूसरा है कि एक्चुअल में वहाँ रजिस्ट्रियाँ किस हिसाब से हो रही हैं, ठीक है। मान लीजिए वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मान लीजिए दोगुना सर्किल रेट से दोगुना की हो रही, कई रजिस्ट्रियाँ देगी उसने, सब में दोगुना है, ठीक है, तो वो वही करेगा। यानी कि सर्किल रेट और एक्चुअल रेट में जो भी ज़्यादा होगा वो देगा। अब भाई होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति ज़्यादा स्टाम्प देना नहीं चाहता है, इसलिए सर्किल रेट से अधिक बिक्री कोई दिखाता नहीं रजिस्ट्री में। तो मान के चलिए आपको आप कि सर्किल रेट के अनुसार आपको कीमत लगाई जाएगी, ठीक है। अब आपकी सर्किल रेट के अनुसार कीमत लगाई गई, जो भी इसमें ज़्यादा होगा सेक्शन 20 अनुसार के देखा जाए, 26 के अनुसार देखा जाएगा, और जो भी इसमें अधिक होगा उसके ही अनुसार आपकी ज़मीन का रेट लगाया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी है वो रेट उसी से प्रकार से नियत किया जाएगा कि कितना रेट आपको दिया जाए। और जो भी सर्किल रेट डिसाइड करेगा कलेक्टर लैंड एक्वायरेशन के टाइम पे, उसका 2 गुना से 4 गुना तक मिलता है। अब आप कहेंगे कि सर ये जो है ये कहाँ लिखा है, तो आप कानून भी PDF भी मेरे द्वारा ले सकते हैं इसकी, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए रूरल एरिया है तो वहाँ पे 2 गुना आपको मिलेगा, सॉरी 4 गुना। रूरल एरिया में आपको जो भी सर्किल रेट डिसाइड किया गया है, मान लीजिए 100 रुपया डिसाइड कर दिया है, तो 100 रुपये का 4 गुना आपको मिलेगा, ठीक है, 2 से गुणांक होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वही अर्बन एरिया है तो अर्बन एरिया की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी अधिक होती है, इसकी वजह से अर्बन एरिया में जो है 1 का गुणांक होगा सर्किल रेट में एक, यानी कि जो है सर्किल रेट जो है उसका 2 गुना ही अर्बन एरियाज़ में मिलेगा। इस पे बकायदा पूरा कानून है, आप चाहे तो साड़ी भी देख सकते हैं, ठीक है, और जो है आप PDF के रूप में भी इसे ले सकते हैं। अब साथियों सवाल आता है कि अगर मान लीजिए आप मुआवजा से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या करें? उसकी साथियों एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, ठीक है, वो मैं किसी दिन आपको विस्तार से इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। और लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले व्हाट्सएप मैसेज करिए, फिर जो है आप कॉल करिएगा। धन्यवाद।